तो ये आया है जोजो। इतना दूर मुंह दिखाई कर रहा है, ये देखो, ये है इंडियन डॉग और फुल फाइटर। अरे वाह, ये मुझे जानता है और मेरे हॉस्टल में पहले भी आ रखा है। दो मिनट रुको, एक नया अंदर और आया था, मैं मिलान पर सेट करूं, जब तक बारह इन्हें फ्रेश वगैरह करा। रुक जा जोजो। ये आए हैं दो लैब्राडोर, दोनों एक कहाँ से, जेतारन खिमसरा और दूसरा नागौर से। दोनों ही शानदार लैब्राडोर है और हेल्थ भी अच्छी है, पर दोनों के दोनों बच्चे हैं अभी और प्रॉपर बच्चा बुद्धि है। एक तो वह बहुत ऊपर चढ़े, ऊपर चेस्ट मार चढ़ने प्यार करा, मन बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाए। ओके, दूसरा कही है कुछ भी कचरों खा ले, ठीक है, और नो बिल्कुल नहीं सुने, गोबर वगैरह भी डाल लेता है। हाँ, मतलब खाने के अलावा भी कुछ भी चीज खा लेता है वो चीज, ठीक है, कहना नहीं मानता। अब इनको बुलाएंगे तो अभी नहीं आएंगे ऐसा। टॉमी दोनों नहीं आया। अब तो मैं बिना सिखाए बुलाऊं, देख जा टॉमी। अरे देखें तो एक बार पानी पी लगा टॉमी, कम ले जा टॉमी, कम हियर, ताकत बहुत ज्यादा बनेगी। तो फ्रेंड्स, अब इनके ओनर तो जा रहे हैं और ये है जोजो। जोजो एक इंडियन ब्रीड है, मेरे हॉस्टल में दो तीन चार बार आ चुका है, लेकिन इस वाले पर पहली बार ही आया है और ये मुझे तो जानता है। बस इसका मुझे दूसरे डॉग्स का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। एक सेकंड, ये चैन देना है। रुको 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 रुको, चैन 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 लेके जाओ चैन। फ्रेंड्स, अब जोजो को और उन दोनों टॉमी को यहाँ से मिला देते हैं इनसे, मैगी से, हनी से और टोगो से। टोगो भी आज ही आया है, ये मैगी को तो जानता ही है, और वहाँ वो दोनों मिल रहे हैं, यहाँ ये दोनों मिल रहे हैं। जोजो वैसे किसी भी डॉग को एक्सेप्ट करता नहीं, लेकिन ये जानता है मैगी कौन इनको तो। और टोगो घबरा घबरा के मिल रहा है। अब मैगी गई वहां उनके पास। वैसे ये मेरा डॉग है, वो तो डर रहा है, देखो देखो। दोनों का नाम टॉम है, एक तो फुल गंदा हो गया से। नो मैगी, दोनों को डरा दिया। टोगो घबरा रहा है इससे, क्योंकि अभी अभी आया है। टोगो खुद भी आज ही आया है, आज चार डॉग आए हैं, एक दो तीन और चार। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ इन चारों को मिलाएंगे कैसे। इन दोनों को मिलाना बहुत इजी है क्योंकि फ्रेंडलियर डॉग है, पर इसे और उसे मिलाना तो सबसे ही ज़्यादा दुखी है, क्योंकि क्या पता क्या रिएक्शन रहे। ये पिछले अभी 10-15 महीनों के बाद आया है हॉस्टल पर। चलो छोड़ दे, एक बार जोजो को भी छोड़ दे। जोजो वैसे जोजो समझदार है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसे मैंने पहले ट्रेन कर रखा है, पर लड़ने में कमी भी नहीं रखता ये। चलो जाओ, लड़ना नहीं है, तू डर मत है, डरेगा तो फिर गड़गड़े, छोड़ इनको। अब ये सब यहीं रहेंगे कुछ टाइम के लिए। घबरा रहा है तो खुद, लेकिन ना डरा मत बच्चे को। ये बच्चे इधर कितना खेलने वाले हैं, इतना खेलने वाले हैं, क्योंकि अभी ये दोनों आपस में खेल के कैसे हो गए वो देखो। लेकिन वो डर गया है एक टॉमी तो डर गया है, मैगी ने डरा दिया है, और इसका देखते क्या होता है। वो तो डरने लग गया है फुल, और जोजो अपने बढ़िया में है और जोजो खुश है। सबसे बड़ी बात है जोजो मुझे पहचानता है पहले से। फ्रेंड्स, आज देंगे डॉग फूड, जो कि पेडिग्री पप्पी है, जिसको पानी में डिप करके थोड़ा सा फुला दिया गया है। इसके साथ 30 एग्स और उसके साथ पनीर। ये पनीर चिंकी की तरफ से आया है, चिंकी वालों ने दिया था। इन तीनों को मिलाकर एक अच्छा फ्लेवर बनेगा और डॉग जम कर खाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब इन दोनों को मिलाया जा रहा है, पहले सबसे टोगो और जोजो को अंदर की तरफ डाल दिया है रूम में। वो दोनों इसी रूम में है, भगवान लड़ नहीं जाए बस उतना ही।
ये जल्दी जल्दी इसे बाहर आ जाए पहले और आके इनसे मिल ले। ना धीरे धीरे सभी बाहर आ रहे हैं और आते ही इन्हीं स्मेल कर रहे हैं। ना हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कोई किसी पर हमला ना कर दे, ये ज्यादा डर जाएंगे तो हमला भी हो सकता है। ना शांत रहे। शांत हो, फुल डर रहा है। देखो मिल ले चुपचाप, कोई नहीं भाग रहा। ये लो एक तो बैल सपना भी खुल गया है। ना मेको शांत रह। अब हम फाइटर डॉग से मिलाने जा रहे हैं। ये है टोगो, टोगो भी आता जाता रहता है। टोगो को हम छोड़ देते हैं क्योंकि टोगो आता जा रहा है, डर रहा है अभी, इसलिए दो मिनट रुकेंगे। रुक क्या शांत रहे, बाकी टोगो इनके साथ खेल लेगा। मेन जोजो का ही लफड़ा है, अब इसे भी हम अनलिस कर देंगे, इसे भी घूमने देंगे। इसका नाम टॉमी है, टॉमी। अब हम लाएंगे जोजो को। ये है जोजो, जोजो का चिल्लाना बंद कर दो। दादागिरी नहीं करने का, दादागिरी नहीं करने का। फिर मना करा था, लेकिन चिंकी तो खुद उछल कूद है आई इसके अंदर। चिंकी ने अब हम मजा करो और तुझे लड़ी को मना कर रहा है। बस लड़ी करने का बहुत ही शौक है तुझे ना। चल अब यूजर बंद होगा तेरे को, मैं खुला काम का नहीं है। ये कह रहा इसकी कहां है उसके उधर एक इसकी ये थी ग्रीन और ये नदी का ओके रन सब आए हुए वो अभी भी वहां देवदास की तरह बैठी है और ये लोग तो खेलना स्टार्ट करती है। आ जाए इधर ये मिलाना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है क्योंकि फर्स्ट टाइम में भी झगड़ा हो सकता है। आपने देखा जोजो ने कैसे चिंकी को मारा,
और चिंकी के लक्षण भी ऐसे ही है, बहुत ज्यादा उछल कूद करता है। ये तो इतना तगड़ी तरह से घुल गया है के पूछे मत। और इसकी एक गंदी आदत है, पानी गिरा देता है, ये पानी पी के फिर पानी में पंजा मार के गिरा देना पानी। ये भी इसको सिखाना है कि ये गलत है। देखो देखो वहाँ देखो, जोजो को देखो अभी भी दांत दिखा रहा है। जोजो झगड़ा किया ना तो ध्यान रखना। इसको डर लग रहा है, वो वहां साइड में बैठा है। आज ये विस्की चली जाएगी, फीमेल डॉग हॉस्टल ओवर 5 डेज। और एक ये रॉक्सी है जो कि पीरियड्स पर आ गई है। हमें इसकी बड़ी दिक्कत है क्योंकि पीरियड्स में हम डॉग्स को लेते नहीं है, लेकिन ये ऑन द ट्रेनिंग के बीच में पीरियड्स टाइम पर आ गई है और ओनर जोधपुर में नहीं बाहर रहते हैं तो लाना आना मुश्किल है उनका कहने के मुताबिक। तो देखते हैं अब इसको सभी डॉग से अलग रखा जाएगा, एक दो दिन तो इनके साथ चले जाएगा, लेकिन जैसे ही पीक टाइम आ जाएगा हम इसे अलग कर देंगे पूरी तरह से। ट्रेनिंग में थोड़ा इफेक्ट तो गिरेगा पर क्या कर सकते हैं, वो मजबूर है, हम भी मजबूर है, ये आ चुकी है तो क्या करें। गुड, अब जो जो धीरे धीरे सेट हो रहा है, दांत दिखा दिखा के सेट हो रहा है, लेकिन जो जोड़ा लड़ाई किसी से नहीं करेगा। मिको मिकुड़े को क्या है, मिल कोई मिले नहीं ना इससे ढंग से, तो फिर कुकाड़ा करता रहता है। चुप रह रहे, नहीं खुला हुआ ही था, मैंने सिर्फ इसको ऐसे ही छोड़ा था। नो, फीमेल हीट पर होती है तो डॉग्स खाना भी छोड़ देते हैं, पागल हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ भी जाते हैं, अल्फाज ऐसा कर सकते हैं नॉर्मली। इसलिए हम फीमेल जो पीरियड्स पर आ जाती है उनको हम लेते ही नहीं है। अब ये ऑन द ट्रेनिंग पर आ गई है और अब बीच में इसका टाइम पीरियड आ गया है तो अब हम इसे छोड़ें। ए नो 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 नो, क्या तुझे फिर मैं रॉक्सी को अभी से ही साइड करना पड़ेगा क्योंकि मेल्स इसके पीछे धीरे धीरे हो रहे हैं। और आज इसने बहुत अच्छा काम किया है फाइट ना करके, पर इसने स्टाफ को बाइट कर चुका है अभी तक, और हमने बताया नहीं लेकिन स्टाफ को बाइट कर चुका है गोविंद को। दूसरा लड़ने की एक दो बार ट्राई भी कर चुका है और वो सामने आ चुका है, इसलिए फिर इसको अच्छी खासी से थोड़ी सर्विस की गई जिस कारण अभी इसने हमला नहीं किया यहाँ, नहीं तो इसके ऊपर हमला कर देता। और अभी अभी थोड़ा इसको भी पनिशमेंट मिली है, झूठ नहीं बोलूँगा मैं आप लोगों से क्योंकि ज़रूरी है, अगर इसे यहाँ रहना है तो स्कूल के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। कितना भी ताकतवर है लेकिन यहाँ किसी को भी नहीं मार सकता, मेरे रहते तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि आते ही चिंकी पर हमला कर चुका है, इस पर भी किया है और दो चार डॉग से आनाकाना भी किया ही है, पर चलो कोई नहीं, काफ़ी टाइम बाद आया है तो इतना तो अलाउ है इसके लिए। और अभी इसके घर पर शादी है तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि लड़ाकू डॉग सारे ट्रेनिंग वाले या हॉस्टल वाले या बोर्डिंग वाले लेते नहीं हैं, लड़ाकू डॉग्स सिर्फ हम ही एक्सेप्ट करते हैं। डॉग की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमें अब ध्यान देने में भी थोड़ी आपत्ति आती है, थोड़ी दिक्कत आती है, फिर भी लोग चाहते हैं हम और इसके अंदर डाल दें क्योंकि कम से कम 3-4 लड़ाकू और मेरे से बुकिंग हो रखी है जिनको मैंने 7 तारीख का टाइम दिया था, अब उनको 10 तारीख का टाइम दिया करूँ क्या। इतने सारे लड़ाकू एक साथ नहीं रख सकते, कभी भी फाइट हो सकते हैं, ये लोग समझते नहीं है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा डॉग्स इसीलिए नहीं रख सकता क्योंकि फाइटर्स डॉग्स बीच में हैं, इनमें बहुत से फाइटर्स हैं जो कभी भी फाइट कर सकते हैं, वो सिर्फ यहाँ के नियम मान रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ी तकलीफ आ जाए। जा एक जना आगे चले जाओ, ये भी गया जो चलो चलो चलो, ये दोनों भी आ गए, सिर्फ और सिर्फ ये अकेली और वो। आ जा, क्या नाम है, स्नूपी, काम स्नूपी। चलो इसने तो खाना स्टार्ट कर दिया। स्नूपी काम, स्नूपी नहीं आ रही, दो प्याले बाहर ले जाओ। हाँ खाने दे, खा रहा है तो खाने दे फिर। स्नूपी को भी डालो उधर, स्नूपी के लिए ले जा रहे उधर खाना। हाँ नहीं चुपचाप खा ले, वहाँ दो डॉग है, दो ले जाना बाहर। हाँ जो जो को अंदर डाल देना। देखो वहाँ प्याले ऐसे ही पड़े हैं, कोई उठा के नहीं खिला सकता। ले फटाफट पकड़,
नो, ये क्या कर रहा है तू? बाहर देख क्या जब प्याला चिंके ना, चिंके चल अंदर। वहां से पीछे में, पीछे से निकाल के लिया ना फटाफट प्याले, इतने सारे पड़े हैं। खाना गिरा देंगे, देंगे। खा ले, खाना खा ले, ये खाना खा, ये ले खाना खा। सिम्बा खा लेगा, खा लेगा सिम्बा। हाँ, अभी तक तो ये खाना खा नहीं रहे, इनको बांधा इसलिए कि तो मैं चाहूँ ये खाना खाए। उसने तो पूरा का पूरा साफ कर दिया। अरे इसके पास तो रखी मत है, खाना तो पड़ा है, ये लोग खा नहीं रहे रहे। जो खा रहे हैं उनको लो डाल प्याले में, दबा दब खाली कर उनके। जो जो खाना नहीं खा रहा, जा जो 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 खाना खा, जो जो भी आज खाना नहीं खाएगा क्योंकि फर्स्ट डे है। और वहाँ हम देखते हैं, चलो इसने खाना स्टार्ट कर दिया, वो की अच्छी बात है। बाहर वो तो खा रही है, बस ये भी नहीं खा रही है। इसने ही खाना नहीं खाया है, जो कि इसको बाद में दे दिया जाएगा फीमेल्स के साथ बाद में, जो अंदर रॉक्सी है उसके साथ दे देंगे इसको बाद में। जिसने भी खा लिया बाहर, जिसने खा लिया बाहर छोड़ दो। ये है आज का अपडेट। तो इस टाइप से हमने आज इनको खाना दिया, जिसमें डॉग फूड और वो यूज किया। चलो ये यहाँ खा रहा है। चलो चलो उधर 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 चलो जाओ। इसने भी खाना तो खाया है टॉमीडा। तो ये था आज का अपडेट दोस्तों। बाकी डॉग्स वहाँ खाना खा रहे हैं अभी भी।